हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पिन सेलेक्शन रूल। ये हमने सेलेक्शन रूल पहले भी पढ़ा था, तो ये स्पिन सेलेक्शन रूल जो है ये वीडी ट्रांजिशन का एक सेलेक्शन रूल है। और सेलेक्शन रूल्स एक्चुअली होते क्या हैं कि जिसमें जो ये हमको बताते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है। तो जो ट्रांजिशन सेलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं वो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं सेलेक्शन रूल के अगेंस्ट होते हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशन या वर्जित संक्रमण होते हैं। तो अनुमत और वर्जित दो प्रकार के संक्रमण होते हैं जो हमको चयन नियम से सेलेक्शन रूल से पता चलता है कि कौन सा संक्रमण अलाउड है, अनुमत है और कौन सा वर्जित है। अब यहाँ पे वर्जित संक्रमण का अर्थात ये नहीं है कि वो संक्रमण बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो संक्रमण या वो ट्रांजिशन जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं वो होते तो हैं लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए उनकी तीव्रता या इंटेंसिटी कम होगी। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम देखेंगे तो उसमें जो अलाउड ट्रांजिशन हैं उनके बैंड्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं उनके वीक बैंड्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो अब डीडी ट्रांजिशंस के लिए दो तरह के सिलेक्शन रूल्स हैं, एक स्पिन सिलेक्शन रूल है और दूसरा लेपोर्टेड सिलेक्शन रूल है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पहला वाला पढ़ेंगे, कौन सा? स्पिन सिलेक्शन रूल। तो स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, डेल्टा एस, एस यहाँ पे क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। अगर डेल्टा एस टोटल स्पिन क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं है, जीरो के बराबर है, तो वो ट्रांजिशन अलाउड होता है। तो अनुमत संक्रमण के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एस का मान जीरो होना चाहिए, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर स्पिन क्वांटम नंबर जीरो के बराबर नहीं है तो ऐसा ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडन या वर्जित संक्रमण का। ठीक है, तो अलाउड ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एस जीरो होना चाहिए, फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए डेल्टा एस जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एस क्या होता है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर आ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं, अनपेयर्ड है, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी स्पिन क्या हो जाएगी, प्लस हाफ माइनस हाफ, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जीरो हो गया। और अगर पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके लिए एस का मान क्या हो जाएगा, प्लस हाफ प्लस हाफ इक्वल टू वन। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा था, टू एस प्लस वन अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, तो टू एस प्लस वन इसमें करेंगे तो वन आ जाएगा, तो ये कौन सी स्टेट हो गई, सिंगलेट स्टेट। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एस का मान वन है तो 2s प्लस वन का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कौन सी स्टेट हो गई, ट्रिपलेट स्टेट। अब स्पिन सिलेक्शन रूल का मतलब क्या है कि ट्रिपलेट स्टेट की मल्टीप्लिसिटी है 3 और सिंगलेट की है 1, तो ट्रिपलेट से सिंगलेट में या सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो ट्रांजिशन के बाद भी अनपेयर्ड ही रहेंगे, अनपेयर्ड वाले से पेयर्ड में एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन नहीं हो सकता। मतलब सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट में या ट्रिपलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन नहीं हो सकता। ट्रांजिशन कहाँ से होगा, सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट में ही होगा, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ही होगा। तो इसका मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट, डबलेट टू डबलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशंस, ये कौन से हैं, अलाउड ट्रांजिशंस। और फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन से होंगे, सिंगलेट से इलेक्ट्रॉन डबलेट में नहीं जा सकता, डबलेट से क्वाड्रेट में नहीं जा सकता, क्वाड्रेट से डबलेट में नहीं जा सकता, सिंगलेट से ट्रिपलेट में नहीं जा सकता, ये सारे ट्रांजिशंस
फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, मतलब ये होते तो हैं लेकिन ये बहुत कम होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, प्रायिकता कम होती है, इसलिए इनके वीक बैंड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके चेंज नहीं होने चाहिए ट्रांजिशन में। अगर दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ट्रांजिशन के बाद भी वो पेयर्ड रहेंगे, अगर अनपेयर्ड हैं तो वो ट्रांजिशन के बाद भी अनपेयर्ड रहेंगे। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ट्रांजिशन में चेंज नहीं होता, ये स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर हम D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, D1 कॉन्फ़िगरेशन इसका एग्जाम्पल है Ti+3 के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे Ti H2O होल 6 3+ टाइटेनियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हमने एनर्जी स्टेट्स, पहले हमारे वीडियो में हमने एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी टर्म्स लिखे थे ग्राउंड स्टेट के लिए। तो D1 में क्या होगा, D1 में D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से D1 में एक में इलेक्ट्रॉन होगा और L का मान इसके लिए +2 है, इसका +1 0 -1 -2। ठीक है, और हमने पढ़ा था ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी टर्म हम लेते हैं उसमें L का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी, L का मान 2 हो गया, L का मान 2 हो गया, तो L हमने ये पढ़ा था SpDF, तो L इसके लिए 0 1 2 3। तो D एल का मान 2 है तो डी आएगा, तो एनर्जी टर्म इसका हो गया डी, और मल्टीप्लिसिटी इसमें क्या होगी, 2s+1, तो मल्टीप्लिसिटी एक ही इलेक्ट्रॉन है आपका, उसकी हाफ स्पिन होगी, +1, तो ये कितना हो गया 2, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो गई 2। ठीक है, तो D1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी टर्म होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 2D। अब ये जो एनर्जी टर्म्स हैं, जब आपका मेटल आयन क्रिस्टल फील्ड में आता है, क्रिस्टल फील्ड में के लिगेंड्स के फील्ड में आ जाता है, तो एनर्जी टर्म्स भी उसी तरह से स्प्लिट होते हैं जैसा हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है लिगेंड्स के आने से, उसी तरह से एनर्जी टर्म्स जो हैं वो भी वैसे ही स्प्लिट हो जाते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स हमने पढ़ा था T2g और Eg दो तरह की ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो इसी तरह से ये जो 2d का टर्म है ये भी स्प्लिट हो जाएगा, और ट्रांजिशन किस तरह से होगा ये हम देखते हैं अभी। तो ये 2d एनर्जी टर्म है D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जब इसको हम क्रिस्टल फील्ड में रखते हैं मेटल आयन को, तो ये एनर्जी टर्म स्प्लिट हो जाता है किस में, 2 में, जैसे T2g Eg लिखते हैं हम, उसी तरह से टर्म जब हम लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे हम, तो यहाँ T2g हो गया और यहाँ Eg हो गया। अब ये जो एनर्जी टर्म जब स्प्लिट होगा तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी जो इसकी है ओरिजिनल टर्म की, तो यहाँ भी 2Eg आएगा, यहाँ भी 2T2g। ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स थी, ये दो सेट में स्प्लिट हो गई, 3 ऑर्बिटल यहाँ 2 यहाँ पे, उसी तरह से एनर्जी टर्म भी 2 में स्प्लिट हो जाता है। तो अब आपके पास जो इसमें अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो एक ही है, T2g से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, Eg में जा सकता है। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास एक स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, स्पिन अलाउड कैसे है ये, क्योंकि इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसकी भी मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो डेल्टा S = 0,
इसलिए ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। स्पिन अनुमत संक्रमण, चक्रण अनुमत संक्रमण है ये। तो D1 में इस तरह से होगा, आपके पास एक ही और बैंड है और वो भी स्पिन अलाउड बैंड है। अब अगर हम D2 की बात करें तो टाइटेनियम के एक्वा कॉम्प्लेक्स में आपको एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा, वो इस T2G से EG के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और वो अलाउड ट्रांजिशन है। अब अगर हम D2 ट्रांजिशन की बात करें D2 के लिए एनर्जी टर्म्स हमने डिफरेंट एनर्जी टर्म्स हमने अपने लास्ट उसमें पढ़े थे, तो D2 में क्या होगा, वही 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हो सकते हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 5D ऑर्बिटल में, तो इनके लिए जो हमने ग्राउंड स्टेट का टर्म निकाला था 3F हमने निकाला था, ठीक है। तो 3F तो इसमें ग्राउंड स्टेट का हो गया और उसके बाद 3P होता है, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, D2 के डिफरेंट एनर्जी टर्म्स हमने देखे थे। तो उसमें लोएस्ट ग्राउंड स्टेट था 3F, फिर 3P था, फिर ऊपर 1D1S एंड सो ऑन। तो ट्रिपलेट वाले आपके पास दो ही एनर्जी स्टेट थे, 3F और 3P। अब ये जब आप इसको मेटल आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखोगे तो एनर्जी टर्म स्प्लिट होंगे, तो F ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट होती हैं T2G, T1G और AG, 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 3-3 के 2 सेट और 1। जब हम T लिखते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स के लिए लिखते हैं, E लिखते हैं 2 के लिए लिखते हैं, जो जैसा हमने EG में पढ़ा था, और A जो डिनोट करता है वो सिंगल ऑर्बिटल को करता है। तो F ऑर्बिटल्स टोटल 7 होती हैं, तो 3-3 और 1 में ये स्प्लिट होती हैं, तो एनर्जी टर्म भी इसका इस तरह से स्प्लिट होगा, तो आपके पास 3 एनर्जी टर्म्स आ जाएंगी। और मल्टीप्लिसिटी सबकी सेम रहेगी ट्रिपलेट, तो 3T1G, 3T2G इनका नाम होता है, 3AG, ठीक है। और 3P जो है वो एक ही में ही स्प्लिट होता है, इसको हम बोलते हैं 3T1G, ठीक है। तो एनर्जी टर्म्स जो होते हैं वो उतने ही उसमें सेट्स में स्प्लिट होते हैं जितने में उनकी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है। तो F ऑर्बिटल जो है वो 3 में स्प्लिट होती है, इसलिए ये 3 में स्प्लिट हो गया। D ऑर्बिटल्स 2 में स्प्लिट होती हैं, T2G, EG में, तो D वाला हमने अभी देखा था। और P ऑर्बिटल्स केवल उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, एक ही रहता है 3T1G, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स है P ऑर्बिटल्स, तो 3 का ये सेट एक ही सेट बनता है, ठीक है। अब इसमें जो ट्रांजिशन है, 3 तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। T1G से इलेक्ट्रॉन T2G में जा सकता है, इस T1G से AG में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, और 3T1G F वाले से 3T1G P में ट्रांजिशन हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, 3T1G F से 3T1G से 3T2G में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, 3T1G से 3AG में जा सकता है, सब ट्रिपलेट वाली ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। और 3T1G F वाले से 3T1G P में जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट्स हैं, ट्रिपलेट वाली 4 एनर्जी स्टेट्स हैं, उनमें ट्रांजिशन हो सकता है, और ये सारे कैसे हैं, अलाउड ट्रांजिशंस। कौन से अलाउड? स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। तो इसमें आपके पास 3 तरह के स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं, और इनकी वजह से आपको स्ट्रॉन्ग बैंड्स मिलता है, ब्रॉड बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, क्योंकि इनमें अब इसमें 3F के बाद 3P है, 3P के बाद 1D भी है, 1S भी है, और भी ऑर्बिटल्स होते हैं एनर्जी टर्म्स वाले, लेकिन 3F से, तो ये तो सारे अलाउड ट्रांजिशंस हो गए,
जिसमें ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इसके बाद हम और भी देखें तो इसमें और भी लेवल्स होते हैं, सिंगलेट एनर्जी लेवल्स भी होते हैं 1D और ये। तो 3F से 1D में, 3F से 1S में ये जो ट्रांजिशन हैं ये कैसे हैं? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, चक्रण वर्जित संक्रमण है। तो ये होंगे तो सही, लेकिन इनकी वजह से जो बैंड्स होंगे वो बहुत वीक बैंड्स होंगे, ठीक है, दुर्बल सिग्नल आएंगे इनकी वजह से। तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अब अगर हम मैंगनीज का एग्जांपल ले, मान लीजिए Mn2+, इसके जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं Mn2+ में, ठीक है, अभी जो हमने D2 आयन पढ़ा, D2 का एग्जांपल है वेनेडियम के कॉम्प्लेक्सेस, तो उसमें 3 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। Mn2+ में क्या होता है? D5 कॉन्फिगरेशन होता है, D5 है तो इसकी स्पिन क्या हो जाएगी? 2×5/2+1। मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 2s+1 कितने के बराबर हो जाएगा? ये दोनों 2 कट जाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है 6Ag, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन इसकी जो हाई, ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट जो होती हैं, ऊपर वाले जो एनर्जी टर्म्स होते हैं वो सारे क्वाड्रेट होता है, डबलेट होते हैं, और ग्राउंड स्टेट कैसा है? ये मल्टीप्लिसिटी है, तो ग्राउंड स्टेट इसकी है सेक्स्टेट। तो हायर एनर्जी स्टेट्स जो हैं उसमें सेक्स्टेट नहीं है, मतलब हायर है, सबसे लोएस्ट तो 6Ag हो गया, उससे ऊपर वाले जो सारे टर्म्स हैं उनमें क्वाड्रेट है, मतलब यहाँ पे 4 हो सकता है, डबलेट हो सकता है, लेकिन 6 वाला एनर्जी टर्म हायर एनर्जी स्टेट्स में नहीं है, इसलिए इसमें जो ट्रांजिशंस हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस नहीं होते। इसमें सारे ट्रांजिशंस जो हैं वो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लोएस्ट एनर्जी टर्म है वो सेक्स्टेट है, उसकी मल्टीप्लिसिटी 6 है, लेकिन हायर एनर्जी स्टेट्स जो हैं, हायर एनर्जी टर्म्स जो हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी क्वाड्रेट भी हो सकती है, डबलेट भी हो सकती है, लेकिन सेक्स्टेट किसी की नहीं है, इसलिए इसमें सारे ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हैं, वर्जित संक्रमण होते हैं इसमें सारे, इसलिए इसमें बहुत वीक बैंड आता है और लाइट कलर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो जो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं वो बहुत दुर्बल होते हैं, और स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग बैंड्स आएंगे उनके आपके पास, ठीक है। अब ये जो स्पिन सिलेक्शन रूल है, ये सिलेक्शन रूल ब्रेक हो जाता है कब? अगर आप ट्रांजिशन सीरीज में एक संक्रमण सीरीज जो होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, तो एक ट्रांजिशन सीरीज में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं या फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं, तो क्या होता है? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस, वर्जित संक्रमण के जो बैंड्स हैं जो दुर्बल होते हैं, वो जैसे जैसे आप इधर जाओगे या नीचे आओगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो एटम कैसा हो जाएगा? हैवी होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हैवी एटम की तरफ जाते हैं, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस जो हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, वैसे तो ये संक्रमण वर्जित है तो इनकी दुर्बल तीव्रता दुर्बल होगी, कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इधर जाओ या नीचे आओ तो क्या होगा? स्पिन के साथ एक और फैक्टर आ जाता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की कपलिंग हो जाती है और लिगेंड का इफेक्ट कम होता जाता है, तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से इंटेंसिटी ऑफ दीज बैंड्स इंक्रीजेस। तो स्पिन खाली स्पिन का फैक्टर काम नहीं करता, फिर ऑर्बिटल वाला भी काम करता है और इन दोनों की कपलिंग की वजह से तीव्रता बढ़ती जाती है। तो स्पिन सेलेक्शन रूल जो है वो ब्रेक होता रहता है, तो इसको हम हैवी एटम इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइट एटम्स हैं, लाइट एटम्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज हैं, उनमें तो स्पिन सेलेक्शन रूल काम करता है, लेकिन जैसे जैसे आप हैवी एटम की तरफ आते हो तो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस जो बहुत दुर्बल होते हैं वो फिर उनकी तीव्रता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, तो इसको हम बोलते हैं हैवी एटम इफेक्ट। तो ये आज हमने पढ़ा स्पिन सेलेक्शन रूल, इसमें क्या बताया हमने कि अलाउड ट्रांजिशंस कौन से होते हैं जिसमें स्पिन टोटल स्पिन क्वांटम नंबर चेंज नहीं होता। अगर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है। उसमें हमने D1 और D2 का एग्जांपल लिया, D1 टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है एग्जांपल था, और उसमें एक ही अलाउड ट्रांजिशन है। D2 वाले में हमने देखा कि 3F एनर्जी लोएस्ट एनर्जी टर्म है, तो ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर उसमें होते हैं अलाउड ट्रांजिशन, और ट्रिपलेट से सिंगलेट होते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। और ये स्पिन सेलेक्शन रूल जो है वो हैवियर एटम्स में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ब्रेक हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लेपोर्टे सेलेक्शन रूल पढ़ेंगे, इसका DD ट्रांजिशन का दूसरा रूल। थैंक यू वेरी मच।